टाटा मोटर्स जैसी ट्रस्टेड कंपनी का नाम यूज करके आजकल व्हाट्सएप पे एक नया ही मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप एक फ्री टाटा सफारी जीत सकते हो। तो आज हम जानेंगे इसकी पूरी सच्चाई कि क्या ये जो लिंक है ये टाटा मोटर्स के तरफ से हमें भेजी जा रही है या फिर ये एक स्पैम या सस्पिशियस लिंक है। एंड अगर आप इस लिंक को फॉरवर्ड करो या इस लिंक पे क्लिक करो एंड सारी जानकारी को सबमिट कर दो, तो क्या हो सकता है आपके मोबाइल के साथ या आपके मोबाइल के अंदर के डेटा के साथ। चलो देख लेते हैं आज सारी जानकारी इस वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो दोस्तों इस वीडियो को आप व्हाट्सएप पे शेयर करना मत भूलिएगा अपने उन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जिनको पता नहीं होता कि ऐसी लिंक्स को फॉरवर्ड करने से या इन पे डेटा सबमिट करने से एग्जैक्टली क्या हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। ओके, तो अब हम आ चुके हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड आप देख सकते हो कि ये व्हाट्सएप जो है ये ओपन है। दोस्तों आप जब अपने मोबाइल से भी ऐसी लिंक्स पे क्लिक करते हो तो सेम ही चीज़ें दिखने वाली है जो अभी मैं आपको लैपटॉप पे बताऊंगा। ठीक है, द ओनली रीज़न बिंग मैं लैपटॉप इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरे मोबाइल का कोई भी सेंसिटिव डेटा जो है इस लिंक पे क्लिक करने के बाद कहीं पे चला ना जाए। ओके, सो बेसिकली कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैं आपको ये लैपटॉप से बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लिंक को करते हैं कॉपी। तो ये मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हुई लिंक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है टाटा मोटर्स कार्स सेलिब्रेट्स सेल्स एक्सीडिंग 30 मिलियन। यहाँ पे लिखा है कि फ्री गिफ्ट फॉर एवरीवन एंड यू हैव अ चांस टू गेट टाटा सफारी। ऑब्वियसली दोस्तों हम ऐसी लिंक्स को देख के ही क्लिक कर लेते हैं या हम इसे फॉरवर्ड करते हैं, राइट दोस्तों। तो अब इस लिंक को देखिए मैंने इस तरीके से कॉपी कर लिया है एंड मैं इसे ओपेरा ब्राउजर में ओपन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने प्राइवेट मोड में इसे ओपन किया है सो दैट अगेन यहाँ से कोई भी डेटा वहाँ पे ना जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कर दिया एंड अब इस पे एंटर दबा दिया। ये आप देख सकते हो ऐसी वाली लिंक ओपन हो चुकी है। सो आप भी जब अपने मोबाइल से व्हाट्सएप पे दी गई लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज आएगा आपके सामने। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप देखिए क्या हुआ है। व्हाट्सएप पे ये जो लिंक दी गई थी इसका ये जो एड्रेस है ये हम यहाँ पे देखें, मैं आपको एक बार वापस बता दूँ कि इस पे जब हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एड्रेस क्या आ रहा है qhsfmm.vip, ये जो भी लिख के आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आप इस बार पे नज़र रखिए, देखिए क्या हो रहा है, तुरंत ही ये एड्रेस चेंज हो गया एंड यहाँ पे अब ये कुछ अलग ही हमें एड्रेस पे लेके आ गया है। सो बेसिकली ये हमें कहीं और ही लेके जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला सबूत है कि भाई ये एक स्पैमी लिंक है तो इससे आप बच के रहिए। अब मैं आपको और भी चीज़ बताता हूँ। अब इस पेज को इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये नीचे जो कमेंट्स हैं ये फेसबुक से दिए गए हैं, राइट, ये उसी के तरफ हमें इशारा करता है। हमें ऐसा लगता है कि यार या तो फिर कोई बढ़िया सी कोई सोशल मीडिया वेबसाइट पे से कमेंट्स उठा के हमें बताए जा रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। बट ये सारे के सारे जो हैं होते हैं कुछ काम के नहीं, मतलब यार सब फर्जी कमेंट्स हैं, कोई मतलब नहीं है इनके। यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, ये 3 बार्स पे हम जब क्लिक करेंगे तो यूजुअली ये 3 बार्स कुछ ना कुछ क्लिक करने पे होना चाहिए, राइट, कोई मेन्यू आना चाहिए, बट वो नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पे ये कार्ट दी हुई है, इस पर भी आप क्लिक कीजिए, कुछ नहीं होना है। ठीक है, टाटा मोटर्स का यहाँ पे देखो इन्होंने लोगो यूज़ किया है एंड दोस्तों ये मतलब अब ये कैसे किया है, बिकॉज दिस इज सर्टनली नॉट अलाउड। ओके, फिर यहाँ पे आप देखो कि ये फ्री गिफ्ट विद टाटा मोटर्स गुड लक एंड ये सारी चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टाटा मोटर्स कार्स सेलिब्रेट कर रहे हैं जो है उनके सेल्स एक्सीडिंग 30 मिलियन एंड थ्रू द क्वेश्चनेयर यू विल हैव अ चांस टू गेट अ टाटा सफारी। अब इन्होंने क्या किया, टाटा सफारी का यहाँ पे फोटो डाल दिया, तो हम खुद भी जब ऐसे पेज को देखते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि यार ये तो एकदम ही रियल है। इसके नीचे ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, देखिए ये क्या पूछा है। तो अब यहाँ पे इनका सबसे पहला क्वेश्चन है कि डू यू नो टाटा मोटर्स कार्स। आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब यार इंडिया में कौन नहीं पहचानता टाटा मोटर्स को और उनकी गाड़ियों को, राइट, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे येस पे ही क्लिक करोगे। आपने ये कर दिया, अब आपको यहाँ पे पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू, तो अब यहाँ से इन्होंने आपका डेटा लेना शुरू कर दिया है। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जब आपसे एज पूछता है तो सर्टनली जो भी आपकी एज है आप वो यहाँ पे इनपुट कर दोगे। मैं ऐसे ही डमी एज डालता हूँ, चलो ऐसे ही हम डाल देते हैं 18 to 29। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ टाटा मोटर्स। अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप यू नो आप हमेशा वेरी गुड ही लिखोगे ना, राइट? तो यही है, बस यही आप सिलेक्ट कर लोगे क्योंकि आपको तो जीतना है, राइट? एंड यहाँ पे पूछ रहे कि विल यू रिकमेंड अस टू योर फ्रेंड्स। तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कंपनी पूछ रही है कि क्या आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करोगे। ऑब्वियसली आप यहाँ पे भी येस पे ही क्लिक कर दोगे। जैसे ही आपने ये किया, यहाँ पे आ गया वी आर वेरीफाइंग योर आंसर, यू हैव आंसर्ड ऑल 4 questions, आपका IP एड्रेस इज वैलिड फॉर प्रमोशन। एंड इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पे अब ये नज़र आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये इमेज नज़र आ रही है एंड इसी के साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ऐसा बताया जाता है कि अब आपको चांस है कि आप गिफ्ट्स को जीत पाओ। एंड यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको करेक्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है, आपके पास सिर्फ 3 attempts है, गुड लक। आप ओके पे क्लिक करोगे। अब आप ये सोचोगे कि यार ये सिर्फ 3 attempts है तो क्या मुझे इसमें कार मिलेगी? दोस्तों मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आपको तीनों में से 1 attempt में ज़रूर मिलेगी कार। बताओ कैसे, चलो ये भी बता देता हूँ। तो अब हम सबसे पहला बॉक्स सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, कुछ नहीं निकला, राइट? ऊप्स, ये बॉक्स एम्प्टी है, अभी भी आपके पास 2 chances है, गुड लक, ऐसा लिख के आता है। दोस्तों मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि मैं डेफिनेटली जीतने वाला हूँ। ठीक है, चलो मैं कोई भी एक रैंडम बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ, वापस ये वाला सिलेक्ट कर लूँ कि मुझे भी नहीं पता क्या आएगा। ये देखिए आ गई कार। तो दोस्तों हमेशा इसमें 3 में से 1 बॉक्स में आपको कार मिलनी ही है, ये तो पक्का ही है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ये गाड़ी जीत चुके हो, यू हैव वॉन द टाटा सफारी। ओके, यहाँ पे लिखा है कि अब आपको 5 groups में इस प्रमोशन को फैलाना है या फिर अपने 20 friends को बताइए। ठीक है, यहाँ पे फिर आप अपना एड्रेस इनपुट करोगे और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे, आपको जो है आपकी गाड़ी डिलीवर हो जाएगी विद इन 5 to 7 days। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको सबसे पहले तो इसको फैलाना है। सो बेसिकली जब एक जन मिलके उसे 5 groups में फैलाएगा और हर एक ग्रुप में अगर कम से कम मैं कहूँ कि 20 भी मेम्बर्स होंगे तो भी आप 100 लोगों को ऐसे ही आप ये स्पैमी लिंक को फॉरवर्ड कर रहे हो, या फिर आप अपने 20 खास दोस्तों को ये प्रमोशन, ये जो स्पैमी प्रमोशन है इसके बारे में बताओगे, राइट? इसी के नीचे आप जब ये सारी चीज़ें कर लोगे तो ये आपसे आपका एड्रेस मांगते हैं। तो ये आपसे वही सारी चीज़ मांग रहे हैं जो कि आपकी यू नो पर्सनल डिटेल्स हो, राइट? क्योंकि यहाँ पे एक एड्रेस ऐसी चीज़ है कि अगर आपने इसको किसी को शेयर कर दिया, आपको नहीं पता यार कि कल को उस चीज़ का यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है। तो इसीलिए दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि ऐसी स्पैमी लिंक्स, ऐसे फ्रॉडुलेंट मैसेजेस को प्लीज़ आप फॉरवर्ड ना करें, ना ही अपने दोस्तों को एंड ना ही कोई ऐसे ग्रुप्स में। बिकॉज दोस्तों अगर कहीं पे कोई हमारे फैमिलीज में ऐसा कोई भोला इंसान है जिसको पता नहीं है और उसने यहाँ पे सारी डिटेल्स को भर दिया, तो भाई आगे का क्या होगा ये आपको भी नहीं पता एंड शायद उनको भी नहीं पता। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आपको और एक प्रूफ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये स्पैमी लिंक है, ये एक फ्रॉडुलेंट मैसेज है, तो इसका एक प्रूफ भी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ ट्विटर से। ये हम चलते हैं ट्विटर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्विटर पे टाटा मोटर्स के हैंडल पे किसी ने ये ट्वीट किया कि हमें ऐसा मैसेज मिला है, तो क्या ये करेक्ट है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स कार्स की तरफ से जो उनको रिप्लाई गया है, उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया है कि टाटा मोटर्स ने ऐसी कोई भी चीज़ अनाउंस नहीं की है एंड वो किसी भी तरीके का एसोसिएशन ऐसी स्कीम्स के साथ डिनाई करते हैं, मतलब उनका कोई भी एसोसिएशन नहीं है। इनफैक्ट वो स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि ऐसे फ्रॉडुलेंट मैसेजेस को आगे ना फैलाया जाए सोशल मीडिया पे। प्लीज़ आप इस पर क्लिक करके, या मतलब क्लिक भी मत कीजिए और आप ऐसे मैसेजेस में एंगेज भी मत कीजिए। सो बेसिकली आप क्लिक भी मत कीजिए और आप अंदर जाके फिर यू नो अपनी डिटेल्स को सबमिट भी मत कीजिए। यहाँ पे टाटा मोटर्स कार्स ने अपने ट्विटर हैंडल पे खुद ये बताया है, आप डेट देख सकते हो, ये है June 8, 2021। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें एंड प्लीज़ टेक केयर, ऐसे मैसेजेस को ना ही फैलाएं और अगर कोई और फैला रहा है तो प्लीज़ आप उसे भी स्टॉप करें। क्या पता आप ही की कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को कहीं पे अगर यूज़ कर लिया गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने गलती कहाँ की थी।
तो आज आपने देख ली इस लिंक की पूरी सच्चाई। दोस्तों ऐसी जो स्पैमी लिंक्स होती है ना, इनको ना ही प्लीज आप खुद क्लिक कीजिए एंड ना ही आप इनको फॉरवर्ड कीजिए किसी को, क्योंकि हमारे फैमिली में काफ़ी ऐसे मेंबर्स होते हैं जो काफ़ी भोले होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ऐसी जो लिंक्स आती है, जैसे कि आज इन्होंने टाटा मोटर्स का नाम यूज़ किया, एक टाइम पे अमेजोन का भी नाम यूज़ हुआ है एंड ऐसे काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियों का नाम यूज़ करके ही इन लिंक्स को बनाया जाता है। हमें ऐसा लगता है कि ये ट्रस्टेड कंपनीज की तरफ से ऐसी लिंक आ रही है, बट दोस्तों कंपनीज कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करती। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये ऑफिशियल लिंक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, आप भी सतर्क रहें एंड आप ऐसी चीज़ों को प्लीज़ फॉरवर्ड ना करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए।